बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में फायरिंग हो गई है। दो बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की है। दो युवकों को गोली भी लगी है। पुलिस ने एक हमलावर को पकड़ लिया है। गोलियां चलने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने गोलियों के तीन खोल बरामद किए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लुधियाना कोर्ट से अचानक से फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। दो युवकों को गोली लगी है और आपको ये भी बता दें कि पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया गया है, क्वार्डन ऑफ करा दिया गया है, खाली करा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है? लुधियाना कोर्ट में अचानक से फायरिंग हुई, दो बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग किए। देखिए, करीब 1 घंटा हो चुका है इस घटना को और लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर ये एक पक्ष के लोग आए थे और आरोप है कि दूसरा पक्ष जिनके साथ इनकी रंजिश चल रही थी उनकी तरफ से 3 राउंड फायरिंग की गई है और दो युवक इस घटना में घायल हुए हैं। उनकी पहचान हुई है, एक युवक के हाथ पर गोली लगी है जबकि दूसरा युवक भी घायल है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोर्ट परिसर में वैसे ही सुरक्षा काफी कड़ी रहती है। जब से लुधियाना ब्लास्ट के बाद से कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही बढ़ाई गई है, तो मौके पर पुलिस की टीमें पहुंच गई हैं और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जी, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया जैसा कि मोहित जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शुक्रिया आपका।